जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ आम पन्ना, ये बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ही बढ़िया बनता है और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। लू से भी बचाता है, पेट अच्छा रखता है, पेट को में ठंडक रखता है और जो बाजार के शरबत होते हैं ना उससे बहुत बेहतर होता है ये घर का आम पन्ना। और इसमें और भी कई चीजें ऐसी डलती है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप बनाकर 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि बचता ही नहीं है, ये बनता ही इतना टेस्टी है और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं ना, झटपट से 5 मिनट में आप 20 से 25 गिलास इकट्ठे बनाकर उनके आगे रख दीजिए। कोल्ड ड्रिंक अनहेल्दी होती है बट ये बहुत हेल्दी होता है। तो बनाया कैसे है ना, जल्दी से देखते हैं इस आम पन्ना की रेसिपी और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आम पन्ना बनाने के लिए हमने कुकर ले लिया है और साथ में ले ली है कच्ची कैरी। तो कच्चा आम जो अचार वाला होता है वो लेना है। आपके शहर में जो भी कच्चा आम जिस भी नाम से मिलता हो वो ले लीजिए। तो मैंने ये वाला लिया है और मैंने अब इसमें अच्छे से पहले मैंने आम को ना धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और कुकर बंद कर कर इसको गैस पर चढ़ा दिया। तो गैस पर चढ़ाने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो मैंने 2 सीटी आने दी है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद हम अच्छे से ना इसकी सीटी को निकलने देंगे। निकलने के बाद हम आम को अलग ट्रे या प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। रखने के बाद हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक आम ठंडा होता है ना हम जीरा भून लेते हैं। तो अगर आपके पास भुना हुआ जीरा रखा हुआ है तो आप वही यूज़ करिए। मेरे पास इस समय नहीं था और मुझे बनाना भी था तो मैंने जीरे को अच्छे से कर उसको क्रश कर लिया। तो जीरा जो भुना हुआ है ना दही में भी काम आता है। आम हमारे ठंडे हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसका सारा पल्प निकाल कर सीधा मैंने मिक्सी के जार में निकाल दिया है। तो छिलकों में भी ना खूब सारा पल्प होता है, वो भी निकाल लीजिएगा। अब 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्ची और ये जो जीरा भुना था मैंने वो डाला है। साथ में ही हम डालेंगे इसमें काला नमक। तो काले नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो रेगुलर भी डाल सकते हैं। पुदीने की पत्तियाँ डाली है और 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है। अच्छे से मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया, कितना स्मूथ पेस्ट बना है। इसको आप 1 महीना, 18 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन आपने रखना है आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। तो चलिए मेहमान आए तो आप इसको इस तरीके से बनाएं। इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाल लीजिए और काला नमक डालिए, साथ में ही डालिए ये जो भुना जीरा था वो डाल लीजिए और इसी के साथ 1.5-1.5 एक-एक चम्मच हमने इसमें भरकर डाल देंगे मिक्सचर का जो आम पन्ने का था। और साथ में ही डालेंगे चिल्ड वाटर। वैसे हम बर्फ भी डाल रहे हैं तो आप चिल्ड वाटर ना भी डालें तो चलेगा। आप भी जब कहीं बाहर से आते हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय सीधा निकालिए और इसमें 2 चम्मच डालिए और ठंडा पानी डालकर पी लीजिए। और जब मेहमान आ रहे हो तो थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा गिलास को सजा कर ताकि अच्छा लगे। तो देखिए हमारा ठंडा ठंडा आम पन्ना बनकर रेडी है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।